सीरियल गुम है किसी के प्यार में अजीबोगरीब कहानी देखने को मिल रही है। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि साहिल चौहान निवास आ तो गई लेकिन वो वीनू से बात कर नहीं पा रही। वहीं दूसरी तरफ विराट की कहे तो वो बहुत खुश है क्योंकि उसके पास साई और सभी दोनों आ चुके हैं। वहीं अगर पत्रलेखा की बात की जाए तो वो बहुत नाराज है और गुस्सा है क्योंकि उसकी कोई बात सुन नहीं रहा है। यहाँ तक कि पाकी ये भी चाहती है कि साई चौहान निवास छोड़कर चली जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाएगा जब तक काकू जिंदा है, क्योंकि काकू अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने ही साई और सभी को चौहान निवास बुलाया है क्योंकि वो ये जान चुकी है कि विराट साई के बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि साई विनायक का डर निकालने के लिए एक प्लान बनाती है, लेकिन क्या वो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएगी या नहीं, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि साई पाकी को साफ साफ कह देती है कि वो विनायक का डर निकाले बिना यहाँ से नहीं जाएगी। साई ये बातें पत्रलेखा से कह तो देती है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो विनायक का डर निकाले कैसे, और यह सोच सोच कर वो रात भर परेशान होती है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है कि क्या हो अगर वो चोर पुलिस का खेल खेले, इसकी मदद से साई विनायक को घर के बाहर ला सकती है और उसका डर भी निकाल पाएगी। और वहीं सभी भी अपने दादाजी के साथ मस्ती करती हुई और गाना गाते हुए भी नजर आएगी। साई विनू को घर से बाहर निकालने के लिए घर में साई और सभी को दोस्तों को बुलाती है और उनसे चोर पुलिस का गेम खेलने के लिए भी कहती है। साई सभी को विनायक के पास भी भेजती है ताकि वो उसे घर से बाहर ला सके, लेकिन विनायक मना कर देता है और बोलता है मैं बाहर नहीं आऊंगा, घर में ही रहूंगा। विनू घर से बाहर आने के लिए मना कर देता है और वो सभी से ये भी कहता है कि जब तक तुम्हारी आई यहाँ पर है मैं घर से बाहर नहीं आऊंगा। दूसरी तरफ भवानी भी पाकी को बहुत कुछ कहती है। भवानी कहती है कि तुम अपने बेटे को घर से बाहर नहीं जाने दे रही और घर में एयर प्यूरिफायर लगा रही हो, लेकिन पत्रलेखा किसी की भी बात नहीं मानती और विनू को बाहर जाने से रोक लेती है। दूसरी तरफ साई के बने हाथों से खाना खाने के लिए घर के सभी सदस्य बहुत एक्साइटेड होते हैं। देखते देखते घर का हर सदस्य साई को प्यार करने भी लगता है। सभी चोर पुलिस खेलते खेलते विनायक के रूम तक चली जाएगी जहाँ पर विनायक उसकी मदद करेगा, जिसके बाद विराट की एंट्री होती है और विराट और साई सभी को देखकर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पाकी लंच लेकर विराट के ऑफिस पहुंच जाएगी और उस लंच को लंच डेट का नाम दे देगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।